निशा रसोई चैनल पर आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है चिकन तंदूरी। ये 2 किलो चिकन है जिसको मैंने ऐसा कट करके रख दी हूँ और पीछे से भी मैंने कट कर ली हूँ ताकि मसाला अच्छे से चिकन में लग जाए। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी। अब इस पानी में मैं 2 ढक्कन भर के विनेगर डाल दूँगी। चिकन मैंने साफ करके रख दी हूँ और इसको मैं हाथ से ये पानी को घोल दूँगी और ये चिकन को मैं इसमें जो भी गंदगी होगी और ये अच्छे से साफ हो जाएगी और सारा ये निकल जाएगा। चिकन को मैंने विनेगर और नमक के पानी में से अच्छा धो के साफ़ कर चुकी हूँ और ये 2 किलो इतना चिकन है। ये है लेमन 1 अक्खा जूस और ये चिकन मसाला, ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 2 चम्मच भर के लूँगी, ये ऑयल और ये दही एक पूरा ले लूँगी मैं डब्बा, और ये है 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 2 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के हल्दी, ये गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भर के नमक, ये ऑरेंज कलर, ये ज़ीरा पाउडर, ये चाट मसाला, और मैं अब इसमें सारे मसाले अच्छे से इसको मैं ये हंडी में रख दूँगी और सारे मसाले मैं इस थाले में मिला दूँगी। चिकन तंदूरी मसाला, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक डब्बा भर के मैं दही ले लूंगी गाढ़ा, एक लेमन का जूस और ऑयल ले लूंगी मैं। अब ये सारे मसालों को मैं हाथ से अच्छे से मिला लूंगी। अब चिकन को मैं इसमें ले लूँगी और सारे मसाले मैं अच्छे से जिधर जिधर कट है उधर उधर मैं अच्छे से मसालों को भर दूँगी और इसको अच्छे से मैं मसाज कर लूँगी। मसाले मैंने सारे इधर भर चुकी हूँ, अब मैं इसको पलटी मार दूंगी, इधर भी मैं अच्छे से मसाले लगा दूंगी। चिकन में मैंने अच्छे से मसाले मिला चुकी हूँ आगे पीछे और इसकी मैंने टांग को धागे से बांध दी है, टांग बांधना ताकि अच्छा रहता टांग बांधने से। चिकन में, तंदूरी चिकन में अच्छा खासा मसाला मैंने लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं ढक कर कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि मसाले अच्छे से चिकन में लग जाए। 2 घंटा चिकन को मैंने मसाला लगा कर रख दी थी और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच भर के ऑयल डाल दी। अब ये ब्रश से मैं ये तेल को पूरा फैला दूंगी। 1 चम्मच मैंने छोटा सा ऑयल इसमें घुमा ली हूँ ब्रश से और
ऑयल गर्म हो चुका है और बिना ओवन के मैं ये आपको बनाकर बता रही हूँ। अब चिकन को मैं इसमें ऐसे से और गैस को मैं स्लो कर लूँगी और इसको मैं ढककर नॉर्मल गैस पे रख दूंगी और फिर इसको थोड़ी देर बाद में 10 मिनट बाद में चेक कर लूँगी, फिर उसके बाद में पलटी मार दूँगी। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं चिकन को पलटी मार दूँगी और इस साइड से भी इसको मैं पका लूँगी। चिकन अच्छा खासा गल चुका है उसके खुद के ही पानी में चिकन के, और ये अच्छा सा हो चुका है। चिकन को मैं मसाले में पक चुका था, अपने ही मसालों में वो अच्छा खासा पक चुका था। अब मैं चिकन को स्टैंड पे रख के इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखो मैं चिकन कितने अच्छे से भून रही हूँ, आप देख सकते हैं कि चिकन कितने अच्छे से भुना जा रहा है। चिकन तंदूरी अच्छे से भून चुकी है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये चिकन भुना हुआ हो चुका है। बिना ओवन के, बिना स्टैंड के, बिना कुकर के मैंने तपेली में बनाकर आपको ये रेसिपी बनाकर दिखाई, ताकि ये चिकन का सारा जो भी पानी छूटा ये चिकन उसमें ही गल चुका और भून चुका। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।